हाय हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारा एक यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम सेट टू का क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू को हमने देख रखा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाकर वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और फिर आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर टू के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर थ्री से हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ्स पार्ट टू का चैप्टर नंबर टू पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, तो चलिए अभी हम लोग एक बिना किसी देरी के एक शॉर्ट इंट्रो के बाद ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री से शुरू करने वाले हैं। क्या देखा रखा है क्वेश्चन नंबर थ्री में, इन ट्रायंगल आरएसटी, इन ट्रायंगल आरएसटी, ट्रायंगल का नाम हम लोग यहां पर लिख लेते हैं आर एस टी, एंगल एस 90 डिग्री दिया गया, तो मैंने यहां पे एस को 90 डिग्री कंसीडर किया। नेक्स्ट और क्या देकर रखा है भाई, एंगल टी जो है वो है 30 डिग्री, ये है एंगल टी, ये 30 डिग्री देकर रखा है। आगे और लेंथ हमें देकर रखा है, आर टी का जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया आर एस एंड एस टी, ये दोनों लेंथ, ये दोनों साइड का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। ओके, हम लोग यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 30 डिग्री, तो सबसे पहले हम लोग ये बता देंगे कि भाई एंगल आर जो है ना ये 60 डिग्री का है। ओके, और भाई 30 60 90 डिग्री ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, हमारा बन जाएगा, और जो प्रॉपर्टी हम लोग फिर यूज कर लेंगे 30 60 90 डिग्री का, जिससे हम ये दोनों साइड को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देख लेते किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल आर एस टी, ओके, जिसमें एंगल एस क्या दिया गया है भाई, 90 डिग्री, ये आपको देकर रखा है, गिवन के लिए आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद एंगल टी आपको देकर रखा है 30 डिग्री, ये भी गिवन में लिख सकते हो आप लोग। देयरफॉर बचा हुआ कौन सा एंगल, एंगल आर, देयरफॉर मैं बोलूंगा एंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसके लिए हम लोग रीजन क्या लगा देंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्या रीजन लिखेंगे हम लोग, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये हमने रीजन लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल आर एस टी है इज एन 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, तो ट्रायंगल आर एस टी को हमने यहाँ पर 30 60 90 डिग्री बना दिया। अब ये 30 60 90 डिग्री हो गया, ये 30 है, ये आपका 60 डिग्री। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है 30 60 90 डिग्री का कि जो 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है, 30 डिग्री के ऑपोजिट कौन है भाई, यहाँ पे आर एस है। 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, क्योंकि मुझे आर एस और एस टी यही दोनों फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड ले लूंगा। नाउ मैं यहां पर लिखता हूं कि आर एस जो है वो हाफ है, किसका हाफ है भाई, आर टी का। रीजन में हमें क्या लेना पड़ेगा, हम लोग क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, क्या दूंगा, देखो 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड रहता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ रहता है। ओके, तो यहां पर रीजन में लगा दूंगा साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के जो ऑपोजिट में जो साइड था वो हाफ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का। तो यहां पर आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर टी, भाई कितना है, आर टी 12 है। ओके, सो यहां से हम लोग इसको कट करके हम लोग फाइनली आर एस का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा आर एस का वैल्यू जो आएगा वो 6 सेंटीमीटर। ओके, मैंने यहाँ पे आर एस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग को फाइनली और भी क्या चीज फाइंड आउट करना है, एस टी, तो मैं यहां पर लिख सकता ऑल्सो क्या पता है भाई, एस टी निकालना है, तो एस टी निकालना है तो 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड जो होता है वो रूट 3/2 टाइम्स हो जाता है, किसका, हाइपोटेन्यूज का। तो मैं यहाँ पे ऑल्सो करके कह सकता हूं जो एस टी है वो रूट 3/2 टाइम्स है, किसका भाई, आर टी का। ओके, इसके लिए आप लोग क्या रीजन लिख सकते हो, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, तो मैं यहां पर लिख दूंगा साइड ऑपोजिट टू यहां पर
60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री की जो ऑपोजिट में जो साइड है वो ST, तो ST क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, हाइपोटेन्यूज का। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ST इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज का। देखो हमने वैल्यू क्या दिया गया, 12 दिया गया, तो यहां पर मैंने 12 मेंशन कर दिया। अब ये 2 और ये 12 दोनों 12 जो है, सॉरी यहां पर 26 था, ओके, तो 12 जो है 2 से डिवाइड हो गया, तो फाइनली हमें यहां पर क्या वैल्यू मिला ST का, 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से हमने ST का वैल्यू फाइंड आउट किया, दैट इज 6 रूट 3 सेंटीमीटर हो गया, ओके। तो काफी इजी सा ये क्वेश्चन है, यहां पर हमने RS का वैल्यू निकाल लिया है, RS का वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर मिला और ST का वैल्यू हमें 6 रूट 3 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या देखकर रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां पर एक रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है, हमें उस रेक्टेंगल का क्या ड्रॉ फाइंड आउट करना है, हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं, ये है डायगोनल, ओके। इस डायगोनल का लेंथ हमें निकालना है, ओके, डायगोनल का लेंथ हमें निकालना है। यहाँ पर नाम हम लोग कुछ भी लिख देंगे, ए बी सी, इस तरह से नाम कंसिडर कर लेते हैं। और जिसमें डायगोनल रेक्टेंगल की बात की गई है, तो रेक्टेंगल क्या होता है भाई, सभी एंगल उसके 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल के थ्रू जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। आगे देखो और क्या बोला गया आपको, लेंथ जो है उसका 16 सेंटीमीटर दिया गया है, लेंथ हमें यहाँ पर 16 दिया है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते जो बीसी है वो 16 सेंटीमीटर है। और एरिया दिया गया है, किसका एरिया दिया गया भाई, इस रेक्टेंगल का 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अगर आपको यहाँ पे ब्रेथ दिया जाता तो हम लोग डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग उसका लेंथ ऑफ द डायगोनल डायरेक्टली निकाल लेते, बट हमें इस बार लेंथ दिया गया 16 सेंटीमीटर और हमें बोला गया है कि एरिया जो है, ओके, इस रेक्टेंगल का वो 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इस रेक्टेंगल का जो एरिया जो दिया है ना, उसकी मदद से हम लोग ना यहां पे ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे, ओके, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। हम लोग वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसका ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें लेंथ तो पता है, लेंथ आपको 16 दिया गया है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करने वाले, तो हम लोग क्या लिखेंगे, as we know, ओके, क्या भाई क्या पता है अपने को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यस। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं जो लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, उसका जो वैल्यू है वो आएगा 192 आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जब लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 192 हो जाएगा, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो वहीं पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू भी दिया गया 192, तो इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ का वैल्यू 192 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ का वैल्यू हमें पता है, तो लेंथ का वैल्यू हम लोग 16 लेंगे, फिर ब्रेथ का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ब्रेथ को एज इट इज रखेंगे और इक्वल्स टू 192 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करना है, ब्रेथ का वैल्यू निकालना है, तो लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, 192 के पास ले जाना पड़ेगा, तो देयरफॉर हम लोग को यहाँ पे ब्रेथ मिल जाएगा, ब्रेथ इक्वल्स टू 192 अपॉन ये 16 हो जाएगा, ओके। देख लेते हैं, सो बी इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 और 16 2 जा, तो 16 इंटू 12 जा आप करोगे तो 192 आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे मैं ब्रेथ कितना लिखूंगा, 12 सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ पे ब्रेथ तो मिल गया, ओके। अब ब्रेथ मिल जाने के बाद मैं क्या करूंगा, फाइनली मुझे डायगोनल का लेंथ निकालना है, डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लूंगा, ट्राइंगल एबीसी। नाउ कंसीडर
इन ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी क्या रहेगा भाई 90 डिग्री का रहेगा। ओके सो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या आएगा भाई हाइपोटन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि ये जो डायगोनल है भाई ये मेरा हाइपोटन्यूज है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसके लिए मैं यहाँ पे रीजन क्या लिख दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। ओके नेक्स्ट स्टेप, अब AC का वैल्यू अपने को ढूंढना है, तो AC का स्क्वायर एज़ इज रहेगा, AB का वैल्यू मुझे पता चल गया, AB कितना है भाई 12 मिल गया ब्रेथ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12 का स्क्वायर प्लस, अब BC कितना है भाई BC कितना देकर रखा है 16, तो मैं यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या है भाई 144 और 16 का स्क्वायर कितना है भाई 256। ओके सो अब 144 और 256 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा 400। ओके यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 400। अब AC स्क्वायर इक्वल्स टू 400 है, तो मुझे AC का वैल्यू ढूंढना है, तो AC का वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर निकालना होगा, जब मैं यहाँ से स्क्वायर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा 400 का। ओके तो फाइनली हमें AC का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा हमें 20 सेंटीमीटर। ओके तो इस तरह से हमने फाइनली क्या ढूंढ लिया है, हमने लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा therefore the length of diagonal of a rectangle is कितना सेंटीमीटर मिल गया भाई 20 सेंटीमीटर। ओके तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फ्रेंड्स आप लोग ये दोनों क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर अभी हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अभी क्या देकर रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, हमें कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, किसका साइड का, तो हमें ये जो साइड है ए बी ये बी सी या ए सी, हमें ये साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो आपको सिर्फ एक साइड का लेंथ फाइंड आउट करना होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो इसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। ओके तो आपको साइड निकालना है, साथ ही साथ में आपको पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। अगर आपने साइड फाइंड आउट किया तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे 3 × आप साइड कर दोगे, क्योंकि इसको तीन साइड है, तीनों साइड इक्वल है, तो साइड मिल जाने के बाद आप पेरीमीटर के लिए क्या करता है 3 × साइड करना है। ओके और हाइट हमें देकर रखा है यहाँ पे √3 सेंटीमीटर देकर रखा है। ओके अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसके तीनों जो एंगल रहेंगे वो 60 डिग्री के रहेंगे। ओके हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग बाय 30-60-90 डिग्री वाला प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग क्या करेंगे साइड निकाल लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करने वाले सॉल्यूशन। हम लोग कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। ओके यहां पे सबसे पहले एंगल डी जो है 90 डिग्री देकर रखा है, एंगल डी है 90 डिग्री, इसको मैं यहां पर लिख दूंगा ये गिवन। फिर उसके बाद में एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, ये भी आपको गिवन में है क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल देख कर रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के रहेंगे, तो यहां पर ये भी आप कह सकते हो ये भी गिवन में है। नेक्स्ट वन, अब बचा क्या, ये एंगल बचा, एंगल बी ए डी, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एंगल बी ए डी बैड। ओके वो है 30 डिग्री का हो जाएगा। ओके इसके लिए हम लोग क्या रीजन लिखेंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी ये आपका 30-60-90 डिग्री का हो गया, सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है ए डी बी है इज एन 30 डिग्री
60 डिग्री और 90 डिग्री का हो जाएगा, ओके 90 डिग्री ट्राइंगल। तो यहां पर हमारा जो ट्राइंगल एडीबी है वो 30 60 90 डिग्री का हो गया, ओके। अब हम लोग यहां पे 30 60 90 डिग्री वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टी क्या कहता है, हमें साइड फाइंड आउट करना है, ओके साइड फाइंड आउट करना है। तो ये जो साइड है भाई ये हाइपोटन्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटन्यूज है। तो हमें क्या कहा गया है कि भाई 30 60 90 डिग्री का 60 डिग्री के जो ऑपोजिट वाला जो साइड रहता है, ओके 60 डिग्री के जो ऑपोजिट वाला जो साइड रहता है वो रूट 3/2 टाइम्स रहता है, किसका हाइपोटन्यूज का, ओके। तो हम लोग यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। नाउ क्या लिखूंगा यहां पे, 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला कौन सा साइड है, 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है एडी। 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या साइड है, एडी, ओके। 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, रूट 3/2 टाइम्स हो जाएगा हाइपोटन्यूज का। तो यहां पे हाइपोटन्यूज क्या है, ए बी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, ओके यहां पर मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप एडी, एडी का वैल्यू मुझे पता है, एडी का वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे रूट थ्री, ओके एडी जो है मुझे इसका वैल्यू पता है रूट थ्री इज इक्वल्स टू रूट 3/2 टाइम्स ऑफ ए बी। ए बी का वैल्यू मुझे ढूंढना है तो मैं यहां पर ए बी लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो रूट 3/2 है इसको मैं यहां पर ले लेता हूं, मुझे ए बी का वैल्यू ढूंढना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके ये 2 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो रूट 3 बचेगा फिर उसको भी यहां पर ला दोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं रूट थ्री इंटू टू, ये 2 जो है रूट 3 इंटू 2 हो जाएगा और जब ये रूट 3 यहां पे आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में रूट 3 आ जाएगा और यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ ए बी बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो रूट 3 है और ये रूट 3 कट हो जाएगा तो फाइनली बचेगा क्या, देयरफॉर ए बी जो है वो बच जाएगा, वो आपको क्या मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर, ओके। सो हमने फाइनली यहां पे ए बी फाइंड आउट कर लिया, ए बी का मतलब आपने साइड फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब साइड फाइंड आउट किया है तो आपको यहां पे पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना होगा, ओके तो मैं यहां पर लिखता हूं यहां पे देयरफॉर साइड इज इक्वल्स टू क्या है 2 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ पेरीमीटर फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो साइड हमने निकाल लिया है 2 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ओके क्योंकि साइड का वैल्यू क्या है 2। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्या देख रखा है क्वेश्चन नंबर में, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज द मीडियन इफ बीसी इज 18, बीसी का वैल्यू आपको देकर रखा है 18 और एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का वैल्यू हमें देकर रखा है 260, ओके। सो आपको बीसी का वैल्यू दिया है 18 और एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का वैल्यू आपको 260 देकर रखा है, आपको एपी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। याद करो आपने अपोलोनियस थ्योरम पढ़ा हुआ है, ओके अपोलोनियस थ्योरम का आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, ओके क्योंकि आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है, एक मीडियन दिया गया है, ओके आपको बोला गया है कि मीडियन का वैल्यू निकालने के लिए और ये दोनों साइड का स्क्वायर करके सम देकर रखा है, ओके। सो हम लोग यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम यूज कर लेंगे। अगर आपको अपोलोनियस थ्योरम आपने पहले नहीं देखा होगा तो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 के पहले हम लोग ने अपोलोनियस थ्योरम किया हुआ था, ओके। तो आई होप आप वहां पर जाके जब ये अपोलोनियस थ्योरम पढ़ लेंगे तो आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग एपी का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी जिसमें एपी को मीडियन लेंगे और ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग बीपी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें आपको बीपी की जरूरत पड़ेगी, बीपी या पीसी की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सिर्फ बीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल
एबीसी, ओके, इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एपी क्या है भाई, सेगमेंट एपी क्या है यहाँ पर, इज एन मीडियन। सेगमेंट एपी क्या है भाई, इज एन मीडियन, ये क्या है, ये मीडियन है, ओके। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट पी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर पॉइंट पी मिड पॉइंट होगा तो बीपी और ये पीसी दोनों इक्वल होगा, तो हम लोग बीपी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि बीसी का वैल्यू दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे बीपी का जो वैल्यू आएगा वो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, बीसी का हो जाएगा, क्योंकि एपी मीडियन है तो पॉइंट पी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, पॉइंट पी मिड पॉइंट हो गया, तो पॉइंट पी क्या करेगा, बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं बीपी जो है हाफ हो जाएगा बीसी का। तो यहाँ पर बीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी, बीसी कितना है 18 है, ओके। तो नेक्स्ट बीपी का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 9, ओके। तो यहां से हम लोग ने बीपी का वैल्यू 9 फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बीपी 9 फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, भी मीडियन, ओके। अब हम लोग जाकर यहां से अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो नाउ बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम हम लोग यूज करने वाले हैं, अपोलोनियस थ्योरम। सो मैं यहां पर लिखता हूं APOLLO, अपोलोनियस थ्योरम, ओके। सो यहां से हम लोग अपोलोनियस थ्योरम यूज करें, क्या कहता है अपोलोनियस थ्योरम, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एपी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीपी का स्क्वायर, ओके। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से आता होगा। सो नेक्स्ट एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको देकर रखा है, कितना देकर रखा है, 260। तो मैं काम करूंगा, ये जो एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर है इसकी जगह पर मैं 260 यूज कर लूंगा, 260 इज इक्वल्स टू 2ap स्क्वायर, ओके। मुझे इसका वैल्यू पता नहीं, उसलिए मैं हैजर्डस लिख रहा हूं, 2ap स्क्वायर प्लस 2bp स्क्वायर, बीपी कितना है भाई, 9 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बीपी की जगह पे 9 लिख लूंगा, 9 का स्क्वायर कर दे रहा है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में 260 इज इक्वल टू 2ap स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर क्या आता है भाई, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। देखिए यहाँ पे आप जरा ध्यान देकर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 29 या 18 करेंगे और उसको फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपको क्या करना है, पहले 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, बाद में 81 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देकर जरा सॉल्व कीजिएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 260 इज इक्वल्स टू 2ap स्क्वायर प्लस 2 इंटू 81 क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 162 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आप हमें क्या करना है, देखिए हमें फाइनली एपी स्क्वायर यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2ap स्क्वायर, ये 162 को क्या करो, यहाँ पे लेके आ जाओ 260 के पास में, ये 162 को क्या करेंगे हम लोग, 260 के पास में लेके आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 260 माइनस 162 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2ap स्क्वायर, ओके। अब 260 में से 162 जब माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या बच जाता है भाई, 98, ओके, 98 आ जाएगा यहाँ पे, 98 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एपी का स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट स्टेप में अब ये 2 को भी हम लोग क्या करेंगे, 98 के पास लाकर डिवाइड कर देंगे, मुझे एपी फाइंड आउट करना है, तो ये 2 का यहाँ पे कोई काम नहीं, ये 2 को यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 98 के पास, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 98 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, एपी का स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट अभी 98 जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें यहाँ पे 49 मिल जाएगा इक्वल्स टू एपी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से भी स्क्वायर निकाल दो, जब यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एपी इज इक्वल्स टू 49 का क्या बन जाएगा, रूट 49 हो जाएगा। तो एपी इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, रूट 49 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया है भाई, लेंथ ऑफ द मीडियन निकाल दिया। सो देयरफॉर मैं यहां पर लिख दूंगा फाइनल आंसर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मीडियन इज 7। क्या देख कर रखा है, कुछ नहीं दिया यूनिट, तो यहां पर हम लोग मेंशन कर देंगे 7 यूनिट्स, ओके। तो आई होप आपको ये डाउट
यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन के, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के, और फिर इसी के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्या देकर रखा है क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राइंगल एबीसी जो है यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पॉइंट पी जो है इज ऑन द बेस बीसी सच दैट पीसी का जो है वैल्यू दिया है, पीसी जो है 1/3 है टोटल लेंथ ऑफ बीसी से, ओके। और आगे हमें देखकर रखा है एबी का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, हमें एपी फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ओके। इसका लेंथ हमें निकालना है, एपी का लेंथ हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, देखो आप एपी निकालने के लिए ना ये राइट एंगल ट्राइंगल आप हम लोग कंसिडर करेंगे, यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे ए डी पी, ये ए डी पी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीपी का लेंथ निकालना पड़ेगा, डीपी का लेंथ निकालना पड़ेगा और एडी का लेंथ निकालना पड़ेगा, ओके। हाइट, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लोग जो हाइट जब फाइंड आउट करेंगे, ये हाइट किसका है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड, ओके। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें अगर हाइट फाइंड आउट करना है तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय हम लोग साइड यूज कर सकते हैं, ओके। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि हमें साइड पता है, साइड 6 है तो हाइट इससे मिल जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट है डीपी निकालने की बात, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड तक, तो वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड को क्या कर देगा, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ओके। सो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट डी क्या है भाई, मिड पॉइंट है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप लोग अगर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन जो रहेगा ना वो एक मीडियन का भी काम कर देता है, ओके। तो पॉइंट डी एक मिड पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट डी अगर मिड पॉइंट हुआ तो डीसी का जो लेंथ है हमें मिल जाएगा, क्योंकि एबी का लेंथ है 6 तो यहाँ पे, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बीसी का लेंथ भी 6 है, तो बीसी का लेंथ 6 है तो डीसी का लेंथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ओके। ये 3 मिल गया डीसी का लेंथ, पीसी का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि पीसी जो है हाफ है, 1/3 है बीसी का, तो पीसी 1/3 है बीसी का, तो पीसी जो है 1/3 ऑफ बीसी, बीसी का वैल्यू यहाँ पे 6 डाल दीजिए तो पीसी का वैल्यू यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, ये डीसी जो रहेगा ये हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ओके। सो इस तरह से हमने डीपी का वैल्यू निकालना है। अब डीपी का वैल्यू निकालने के लिए एक मिनट, टोटल ए बी है, हाँ ये 6 है, ये 3 अपने को मिल गया, ये पीसी जो है 3 बीसी, ओके, पीसी जो है 2 मिल गया, तो ये जो डीपी जो रहेगा ना दोस्तों, ये डीपी कितना आ जाएगा, ये हमें 1 मिल जाएगा, ओके। डीपी 1 मिल गया, हम लोग एडी का वैल्यू हम लोग ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग को एपी निकालने के लिए अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमें लेंथ ऑफ एपी मिल जाएगा। डीपी हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, एडी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, एडी वैसे कितना मिल जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है भाई, साइड कितना देकर रखा है, 6 दिया है, ओके। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा 2 1 2 3 जा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ये हमें हाइट मिल जाएगा, ओके। 3√3 मिल गया और ये डीपी का वैल्यू 1 मिल गया, तो इस तरह से हमें ये दोनों परपेंडिकुलर साइड मिल गया। अब एपी निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। पीसी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर पीसी इज इक्वल्स टू, हमें जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं, पीसी इक्वल्स टू 1/3 है किसका, बीसी का, ये देकर रखा है, ओके। ये हमें देकर रखा है पीसी का वैल्यू, तो पीसी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बीसी। बीसी भाई कितना है, अगर ए बी 6 है तो बीसी भी कितना रहेगा, 6 ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे 6 यूज कर लेता हूं, तो पीसी का जो वैल्यू रहेगा, पीसी का जो वैल्यू रहेगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर। ये हमने पीसी का वैल्यू हमने निकाल लिया। यहाँ पे आप चाहिए तो रीजन लिख देना कि भाई ए बी इक्वल है, बीसी इक्वल है, दोनों 6 सेंटीमीटर है, ओके, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट हमने पीसी फाइंड आउट कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, डीसी निकालेंगे, ओके। डीसी
डीसी के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, डीसी जो रहेगा वो हाफ रहेगा, किसका रहेगा, डीसी का। ओके, ऑल्सो हम लोग क्या लिखेंगे, डीसी इज हाफ ऑफ, किसका हाफ रहेगा भाई, बीसी का। इसके लिए हम लोग क्या बता देंगे, क्यों हाफ रहेगा, क्योंकि एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी से, और ये जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप कहीं पे भी किसी भी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑपोजिट साइड को क्या कर देगा, वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी से। ओके, और क्योंकि ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम लोग को डीसी का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। तो डीसी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बीसी, बीसी कितना है भाई, बीसी 6 है। ओके, तो यहाँ से हम लोग डीसी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, तो डीसी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। ये हमें डीसी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डीपी अब निकालेंगे। देखिए डीसी हमें 3 मिल गया, ये हमने करके दिखाया, अब डीपी। नाउ डीपी, डीपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो डीपी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी में से पीसी को माइनस कर दो तो हमें डीपी मिल जाएगा। देखो ये जो टोटल लेंथ है डीसी, डीसी में से अगर मैं पीसी को निकाल देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, डीपी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डीसी माइनस में कर दूंगा, डीसी माइनस क्या कर दूंगा, डीसी में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, पीसी को। रीजन में हम लोग यहाँ पे बता देंगे डी डैश पी डैश सी, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है। ओके, सो नेक्स्ट वन, अब डीपी का वैल्यू निकालने के लिए डीपी इक्वल्स टू डीसी का वैल्यू कितना है भाई, 3 है, माइनस पीसी कितना है, 2 है। ओके, तो फाइनली मुझे देयरफॉर डीपी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डीपी इक्वल्स टू 3 में से 2 गया तो बचा कितना, ये 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हमने डीपी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है भाई, एडी, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो नेक्स्ट ऑल्सो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एडी। ओके, हाइट फाइंड आउट करना है। सो एडी के लिए मैं क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर मुझे हाइट फाइंड आउट करना है तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय मैं साइड, ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट क्या है भाई, एडी है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एडी लिखूंगा। एडी इक्वल्स टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना देकर रखा है, 6 देकर रखा है। ओके, यहाँ से भी हमें हाइट मिल जाएगा, 2 1 जा और ये 2 3 जा, तो ये क्या मिल जाएगा, एडी का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, देयरफॉर एडी का जो वैल्यू है वहां पे एडी इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से हमने एडी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हमारे पास एडी का वैल्यू मिल गया है, एडी हमारे पास है, डीपी भी है, अब मुझे एपी निकालना है। ओके, तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। सो मैं नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीपी। नाउ कंसिडर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है एडीपी, एडीपी जिसमें एंगल डी जो है वो है 90 डिग्री का रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। सो क्या मिलेगा, एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, एडी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर। ओके, रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट एपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी, भाई कितना है, एडी हमने कितना फाइंड आउट किया, 3√3। यहाँ पे एडी को हमने 3√3 हमने फाइंड आउट किया, तो मैं यहाँ पर 3√3 द होल स्क्वायर लिख दूंगा, एडी की जगह पे मैं लिख दूंगा 3√3 द होल स्क्वायर, क्योंकि एडी का वैल्यू हमने 3√3 फाइंड आउट कर लिया। प्लस डीपी, डीपी कितना है भाई, 1, हमने फाइंड आउट किया 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एपी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये प्लस
वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, वन हो जाएगा। ओके अब नेक्स्ट स्टेप, सो एपी का स्क्वायर इक्वल टू 9 3 जा कितना हो जाएगा भाई 27 और ये प्लस 1 हो जाएगा। सो फाइनली एपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा। ओके अब मुझे यहां से एपी का वैल्यू ढूंढना है, तो एपी का वैल्यू ढूंढना है तो ये जो स्क्वायर है इसको मैं हटा दूंगा, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 28 हो जाएगा। नेक्स्ट रूट 28 को हम लोग 7 4 हम लोग लिख सकते हैं इसको, एपी इक्वल्स टू 28 को मैं इस तरह से लिख देता हूँ 7 into 4। ओके सो फाइनली हमें एपी का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 4। देखिए 4 को हम लोग रूट के बाहर ले सकते हैं, जब 4 को रूट के बाहर लोगे तो 2 बन जाएगा और ये रूट 7 एज इट इज रहेगा, तो 2√7 हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे एपी का जो है लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके सो हम लोग क्या लिखेंगे, बस ये फाइनली हम लोग को यहाँ पे लिखना है therefore the length of the AP is 2√7 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, फिर हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्या देख रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर प्रूव दैट PM is equals to PN is equals to root 3 into A। मतलब PM को भी हमें प्रूफ करके दिखाना है root 3 into A होना चाहिए और PN भी जो है root 3 into A होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। ओके सो यहां पर देखो एक बड़ा सा ट्राइंगल दिया है PMN, इसमें आप देख सकते हो PQ, PR, MQ, RN और QS, सॉरी QR, ये सबका वैल्यू सेम है, इसको ए यूनिट कंसिडर किया गया। ओके हमें ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोग ना ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे यहाँ पे PMR। ओके क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो MQ है और ये QR है, ओके ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, इसका मतलब पॉइंट क्यू मिड पॉइंट हुआ। अगर पॉइंट क्यू मिड पॉइंट हुआ तो PQ क्या हो जाएगा भाई, मीडियन हो जाएगा, किसका, ये वाले ट्राइंगल का PMR। ओके इसको मैं सेपरेटली थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ ये वाले पार्ट को। ओके ये है हमारा MR और यहाँ पे इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ये देखो और यहाँ पे जो PS है उसको भी मैं परपेंडिकुलर बना देता हूँ, ये हमारा PS बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर इसको, ये S है यहाँ पे, P है, ये M है और ये क्या है भाई, ये Q है। ओके PQ क्या है भाई, मीडियन है, कैसी मीडियन है, क्योंकि MQ जो है उसका लेंथ है A और यहाँ पे QR जो है उसका भी लेंथ है A। ओके तो इसका मतलब पॉइंट क्यू क्या हो गया भाई, मिड पॉइंट हो गया, पॉइंट क्यू अगर मिड पॉइंट हो गया तो पी क्यू क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर पी क्यू मीडियन हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई अपोलोनियस थ्योरम से, ओके अपोलोनियस थ्योरम से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके चलो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल पी एम आर। ओके क्या लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल पी एम आर, हम लोग ने ट्राइंगल का नाम क्या लिया है भाई, पी एम आर, हम लोग ये वाला पार्ट कंसिडर किए पी एम आर। ओके जिसमें सेगमेंट पी क्यू क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, सेगमेंट पी क्यू इज द मीडियन। ओके सेगमेंट पी क्यू इज द मीडियन। ओके सेगमेंट पी क्यू मीडियन है, यूज कर लेते भाई चलो अपोलोनियस थ्योरम को। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग अपोलोनियस थियरम। ओके हम लोग क्या यूज कर रहे हैं भाई, यूजिंग अपोलोनियस थियरम। क्या कहता है भाई अपोलोनियस थियरम, पीएम का स्क्वायर, ओके पीएम का स्क्वायर प्लस पीआर का स्क्वायर, क्या होता है भाई पीएम का स्क्वायर प्लस पीआर का स्क्वायर, यहां पे लिखता हूं पीएम का स्क्वायर, ओके प्लस पीआर का स्क्वायर, वो इक्वल हो जाएगा, किससे इक्वल हो जाएगा, PM का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, वो इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PQ का स्क्वायर से प्लस 2 टाइम्स ऑफ में MQ ले लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ MQ का स्क्वायर। ओके ये भाई हम लोग ने क्या यूज किया है, अपोलोनियस थ्योरम यूज किया है।
चलो हमें चाहिए क्या, देखो पीएम इज इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए चाहिए, ओके। सो यहां पर पीएम का वैल्यू पता नहीं है मुझे, ओके। पीआर का वैल्यू देखो यहां पर देकर रखा है, जैसे एम क्यू ए है, क्यू आर ए है, वैसे पीआर भी हमें ए देकर रखा है, ओके। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो पीआर है, ओके, फिर उसके बाद जो पीक्यू, पीक्यू को भी हमें ए देकर रखा है, पीक्यू जो ए है और एम क्यू जो ए है, ओके, ये सबको हम लोग ए से रिप्लेस कर देते, ओके। सो मैं यहां पर लिखता हूं पीएम स्क्वायर प्लस पीआर की जगह पे मैंने क्या किया, ए कर देता हूं, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ पीक्यू का स्क्वायर, पीक्यू की जगह पे भी मैं क्या कर दूंगा, ए, ए का स्क्वायर लिख दूंगा, फिर उसके बाद प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एम क्यू, एम क्यू कितना है भाई, ए है, ओके। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। सो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, पीएम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये टू इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो मैं यहां पर कह सकता हूं पीएम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर, और ये टू ए स्क्वायर बन जाएगा फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में मुझे देखो, मुझे क्या शो कर रहा है वहां पे देखो, ओके, पीएम इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू ए शो करना है। तो यहां पर पीएम स्क्वायर हैज़र्डिस रखो, ये ए स्क्वायर को यहां पर लेके चले जाओ, ए स्क्वायर को फोर ए स्क्वायर के पास में लेके चले जाओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इस तरह से। फिर उसके बाद पीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो बचा क्या, थ्री ए स्क्वायर हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, मैं यहां से स्क्वायर को हटा दूंगा, पीएम इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जब मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ थ्री ए स्क्वायर, ओके, पीएम इक्वल्स टू। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि जो पीएम का जो वैल्यू आएगा, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा भाई, ए आएगा, और ये रूट थ्री का हैज़र्डिस रहेगा। तो हमें फाइनली हमें जो चाहिए था वो मिल गया, पीएम इक्वल्स टू मुझे प्रूफ करना था रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए, तो मतलब रूट थ्री ए मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ओके। और आगे देखो हमें पीएन को भी हमें बताना है, पीएन भी रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए होना चाहिए, ओके। तो पीएन को रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सेम पार्ट है, आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा, पी क्यू एन, ओके, पी क्यू एन, सेम जैसे आपने पी एम आर कंसिडर किया वैसे हमें पी क्यू एन कंसिडर करना पड़ेगा, सेम स्टेप से जाना पड़ेगा, ओके। तो मैं वो पार्ट को मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पी एन इज ऑल्सो थ्री टाइम रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि जैसे ये वाले पार्ट को हमने कंसिडर किया पी एम आर, वैसे हमें पी क्यू आर कंसिडर करना पड़ेगा, जहां पे देखो पी आर भी एक मीडियन है, बाकी सब कुछ सेम है, ओके। जैसे यहाँ पे सब कुछ एम क्यू क्यू आर पी क्यू सेम था, वैसे यहाँ पे भी QR, RN और PR सेम है, ओके। तो हम लोग को सेम स्टेप से जाना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ओके। क्या प्रूव कर सकते हैं भाई, कि जो PN है वो भी रूट थ्री टाइम्स ऑफ A हो सकता है, ओके। तो इस तरह से हमें इसको प्रूव करना था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि इजी है, बहुत बहुत बच्चे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग यहीं पे आज का जो सेशन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूं, और फिर मैं जल्द से जल्द नए वीडियो के साथ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों, और मैं जल्द ही शुभकामनाएं करता हूं कि आप भी हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, ओके। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।